आप लोगों ने पार्ट वन में देखा कि लड़के का पहला रिश्ता कैंसिल हो जाता है, तो फिर लड़के वाले ने वहाँ से दूसरा रिश्ता देखने जाता है और वहाँ दूसरा रिश्ता फाइनल हो जाता है। कुछ बातचीत करने के बाद यह पता चलता है कि लड़का लोको पायलट रहता है, लेकिन लोको पायलट क्या होता है यह लड़की के बाप को पता नहीं रहता है। अब वीडियो में आगे देखिए। कौन सी कर रही है? अरे चाय दे रही है, ठंडा कर रही है। अरे सुनिए ना, सुनिए ना जी, अरे सुनिए ना। हाँ महारानी बोलिए। कह रहे जब पिछले बार की जमात जी आए थे तो हम घर पे थे नहीं, तो हमने देखा भी नहीं, तो हम कह रहे चलिए ना इस बार जमात जी से मिल लेते हैं और उनका घर भी देख लेंगे। तुम्हारा कहना तो ठीक है, ठीक है तुम जो अंदर लेके चलो, हम फोन करके बोल देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं। हरदम हरदम सीता राम का ना खुदा को दे दो दान। अरे भाई दे रे, तेरा बीवी बाल बच्चा खुश रहेगा भैया, दे दो 10, 20, 50, 100, 1000 करोड़। ये क्या 20 रुपए दे दे रे बाबा, गरीब की दुआ लग जाएगी, तुम्हारा बीवी बाल बच्चा खुश रहेगा। आज दिन भर में 20 रुपया भिखारी को दान किया है, हमसे ज्यादा तो यहाँ का पब्लिक से भिखारी हो रही है। ओ भाई ओ, कहाँ जा रहा है, दिखने रहा है यहाँ भिखारी है, भीख दे दे भाई। छुट्टा नहीं है। अरे 100, 50, 500 जितना भी है दे दे भाई, भिखारी सुबह से कुछ नहीं खाया यार, देखने दो। लो। अरे वाह, 500 का नोट, 15 साल हो गया मेरा भीख मांगते मांगते, इतना बड़ा नोट कहीं ने दिया था कोई, तेरा बाल बच्चा खुश रहेगा। अरे भाई तेरा 6 बेटा 4 बेटी होगा, खुश रहो, मेरा दुआ लग जाएगा इस गरीबों का। बात साला, इसलिए आज तक तुम भिखारी है। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे हंस दे। अरे ओ भाई ओ, ओ कहाँ जा रहा है, भीख दे दे यार, तेरा बीवी बाल बच्चा खुश रहेगा, भीख दे दे भाई, भीख दे दे। रुको रुको। आज भर ढेउदा ढोढ़ी जाने छेउदा। हाँ हेलो। हाँ हेलो। अबे रेक, अभी भीख मांगने में बिजी है। मैं तुम्हारा ससुर बोल रहा हूँ बेटा। हाँ हाँ ससुर जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और हाँ, इससे पहले क्या बोल रहे थे तुम कि भीख मांग रहा हूँ? नहीं ससुर जी, हम बोल रहे थे कुछ भिखारी है उसको हम अभी भीख दे रहे थे। ओ ठीक है, तब ऐसे ही झंड का ऐसे ही पुण्य का काम करते रहे। वाह क्या एक्टिंग है। अच्छा दामा जी सुनिए ना। हाँ बोलिए ससुर जी। पिछले बार तो तुम्हारा सास तुमको देखा नहीं था, तो तुमको देखना चाहती है, तो हम भी बोले ठीक है। वैसे भी हम लोग तुम्हारा घर परिवार देखे नहीं है, इसी बहाने आएंगे तो घर परिवार भी तुम लोग का देख लेंगे, ठीक है ना बेटा? हाँ तो कल हम आ रहे हैं, ठीक है? हाँ 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 ठीक है ठीक है। ऐसे धूप में मेरा गाड़ फट रहा है भीख मांगने में, ऐसे घर परिवार लोग रहा है। अरे भाई, अरे भाई चलो 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 चलो, हमको भरा चाहिए भाई भरा। ऐसा ड्रेस में देख के भिखारी समझे का, पैसा बहुत है मेरे पास, ले 500 रुपया भरा। तो भाई तो हमको भरा चाहिए भाई, भगवान चाहते बहुत खुश रहो। जिंदगी एक सफर है सुहाना। रुके 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 रुके, हमको यही उतरना, बस यही पे छोड़ दीजिए हमको। क्यों
भर ढेउदा ढोढ़ी जाने मेरा सासू जी तो बहुत पहले भगवान जी को प्यारा हो गया। अरे अरे बाबूजी आप कह रहे मेरा ससुर आ रहे हैं छुटवा रहे पानी लेके आ रहे हैं बाबूजी को क्या हो गया रे टिकट उकट कर जाएगा जमीन जगह का हिस्सा उसका भी कुछ नहीं मिलेगा जल्दी पानी लेके आ यार जल्दी आप पानी लेके आ। आप मेरा बाप का खड़ा हो गया मेरा बाप खड़ा हो गया चुप कर टेंशन से मेरा यहाँ गार फटे जा रहा आपको बता रहा है। अब बोले बाबू जी क्या करना है मेहमान कल आने वाला है ना। हाँ तो अभी हम लोगों के पास 24 घंटा है। हाँ तो कल तक कुछ ना कुछ उपाय करेंगे ठीक है। ठीक है कुछ ना कुछ दिमाग लगाएंगे कि मेहमान को ना लगे तुम भिखारी हो ठीक है। चेंज कर देंगे ना। नहीं नहीं हम उतना मेहनत कर लेंगे तुम चलो चलो।